दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज सुबह सुबह इंडियन आर्मी ने अपने वीर शहीदों का, अपने वीर सीआरपीएफ के जवानों का बदला लिया है। आज इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक में जो दहशतगर्दों के कैंप थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनको उड़ा दिया है। तो हमारे मिराज उड़े हैं यहाँ पर जो दहशतगर्द के कैंप थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और पीएके में, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी भारी बमबारी की है। तो यहाँ पर दोस्तों दहशतगर्दों के लिए ये काफ़ी बड़ा सबक है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरते हैं और दहशतगर्दी में लगे रहते हैं तो यहाँ पर इंडियन आर्मी अब उनको छोड़ने वाली नहीं है। और ये दोस्तों यहाँ पर साफ मैसेज है उन सभी दहशतगर्दों के लिए, उन सभी दहशतगर्दों के सपोर्टर्स के लिए कि अब आप सुधर जाएँ। अगर आप नहीं सुधरोगे और ऐसे ही दहशतगर्दी करते रहोगे तो अब भारत, अब इंडिया आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे देश में जो ये दहशतगर्दों के साथ देने वाले गद्दार बैठे हुए हैं, तो इनको भी दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि अपनी जो सोच है उसको बदल दें। अगर आपको भारत में रहना है, अगर आपको नहीं रहना तो बेशक आप छोड़ कर चले जाइए, अगर आपको भारत में रहना है तो आपको अपना जो सोच है उसको बदलना होगा, नहीं तो अब आपका आगे नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग अब आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आप उल्फटांग ट्वीट लिखते थे, उल्फटांग मैसेज लिखते थे सोशल मीडिया में, जो गंद फैलाते थे, अब ये नहीं चलने वाला है। आपको सुधरना होगा, अगर नहीं सुधरते हो तो अब आपका आगे नंबर है। बाकी दोस्तों जो पाकिस्तान है, जो यहाँ पर इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, आज आप देख लीजिए, आज वो पीछे हट गया है। यहाँ तक कि जो दहशतगर्द इस एयर अटैक में मरे हैं उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप इसी चीज से समझ जाइए कि कौन आपका है और कौन किसका है। तो अगर आप अभी भी नहीं सुधरते हो और अभी भी लगे रहते हो दहशतगर्दी में, जो कि ऑब्वियसली आप ही का नुकसान कर रही है, तो डेफिनेटली आपके मरने के दिन है। आप मरोगे और ऐसे मरोगे कि जो आपका चहीदा देश है पाकिस्तान, वो आपकी लाशों को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बाकी पाकिस्तान की बात चली रही है तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है, आपकी औकात क्या है, आप क्या अपने आप को समझते हो। आप पीठ पीछे तो दहशतगर्दी फैला सकते हो बट सामने से कभी नहीं लड़ सकते हो। तो यहाँ पर जो गीदड़ धमकी है इसको देना बंद करें और चुपचाप अपनी जो बिल है उसमें जाके छुप जाएं। तो यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है कि वो एक दिन के अंदर आपका पूरा सफाया कर दे। तो यहाँ पर जो आप गिदड़ धमकी दे रहे हो इससे हम डरने वाले नहीं हैं। और आपके लिए साफ मैसेज है, दहशतगर्दी का जो साथ आप देते आ रहे हो इसको देना छोड़ दें, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। बाकी दोस्तों जो हमारे देश में विद्रोही बैठे हुए हैं, जो अपने आप को हमारे देश का मानते नहीं है, उनके लिए एक ही मैसेज है कि आप आज जिस कंट्री के चक्कर में अपने इस देश को धिक्कार रहे हो, गलियार रहे हो, वो कंट्री की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर आज लड़ाई छिड़ जाए ना, उसका जो नाम है वही मिट जाएगा। और यहाँ पर अगर नाम नहीं भी मिटता है तो वो इतना कंगाल हो जाएगा कि खुद खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसे केस में आप किसका साथ देना पसंद करोगे या फिर कहाँ रहना पसंद करोगे? तो कुछ भी यहाँ पर जो आप करते रहते हो या फिर कुछ भी आपके दिमाग में जो चलता रहता है, इसको अब ज़्यादा सोचना समझना छोड़ दीजिए। आपका जो देश है वो आपकी हमेशा मदद करता है और हमेशा मदद करेगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पर शिकायत है, तो देश आपके लिए सुनने को तैयार है। बाकी जिस देश की पनाह में आप ये जो दहशतगर्दी चला रहे हो या फिर यहाँ पर जो आतंकवाद चला रहे हो, ये काफ़ी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको भी सुधरने का मौका मिल रहा है, आप सुधरिए और देश का साथ दीजिए। यही देश आपको आगे बढ़ाएगा, आपके लिए और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज लाएगा। जबकि वो कंगाल देश आपको दोस्तों एक तरह से कहेंगे कि परेशानी करेगा, और जो आपका भविष्य है और जो आप यहाँ पर उस देश से उम्मीद लगाए हुए बैठे हो वो तो मिलने से रहा, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। बाकी मैं उन दहशतगर्दों से यही कहूँगा कि जो लोग आज आपको धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बहका रहे हैं, उनसे आप सावधान रहें। वो तो आज खूब ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको क्या जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अगर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो वो कितना गलत है। यहाँ पर मर मिट के किसी को कोई जन्नत नहीं मिलती है। जन्नत यहीं पर है, जीने में है, लोगों के साथ जीने में है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको इन बहलाने फुसलाने वाले
मौलाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये तो अपनी जिंदगी ऐश और आराम में काट लेंगे और आपको और आपके परिवार को क्या देंगे दुख। आपको अपना दिमाग लगाना है, इनके दिमाग से नहीं चलना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हो तो आपको पता चलेगा कि जो आप करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो वो गलत है और इससे आपको कोई जन्नत नहीं मिलने वाली। जन्नत मिलेगी यहीं पर रह के, लोगों की सेवा करके, अपने परिवार के साथ टाइम पास करके, ना कि इस दहशतगर्दी में। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मैसेज मिल गया होगा। बाकी मैं यही कहता हूँ कि हम सभी को आज एकजुट हो जाना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए, देश की सरकार का साथ देना चाहिए, ताकि अगर वो कुछ करती है तो वो अच्छे से कर पाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर से देश के लोगों के लिए वंदे मातरम।